नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल में। भारत त्योहारों का देश है और अलग अलग त्यौहार में अलग अलग पकवान और मिठाइयां खाने का रिवाज है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा तिलकुट के साथ घेवर खाने की परिपाटी है और घेवर हो तो आनंद कुछ और ही बढ़ जाता है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं खगड़िया के शिवम स्वीट पैलेस में, जो स्टेशन रोड में स्थित है, और यहाँ देखते हैं घेवर कैसे बनता है। घेवर बनाने के लिए चना के दाल का बेसन तैयार किया जाता है, जिसे घी, बर्फ और जल के सहारे तैयार घोल को करकते घी में एक बेलनाकार फर्मे के अंदर धीरे धीरे कर डाला जाता है। जैसे जैसे फुहारे के रूप में बेसन का घोल गिराया जाता है, दुनिया की तरह वह फूलकर एक दूसरे से जुड़ते जाता है और ऊपर उठते जाता है। जैसे जैसे उसका रंग बदलता है, मतलब वह सीजते जाता है, और जब पूरा तैरने लगता है घी के सतह पर, तब उसे निकाल करके एक सांद्र चीनी के घोल में डुबाया जाता है। इस तैयार घेवर को चीनी का रस पीने के लिए, और उसके बाद उसे छान करके एक ट्रे में अलग कर लिया जाता है। इस तरह से घेवर तैयार करने की जो प्रक्रिया है, बुनिया बनाने की प्रक्रिया से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और यह देखिए कितना सुंदर घेवर लगता है। घेवर बनाने की जो क्रिया है वह मकर संक्रांति के सुबह मतलब करके ही शुरू हो जाता है, और कारीगर जो है पूरे मनोयोग से इस काम में भीड़ जाते हैं और अपने कारीगरी का, बेहतरीन कारीगरी का कौशल दिखाते हैं इस मिठाई को बनाने में। और हम बता दें घीवर का मूल्य, पूर्ण रूप से तैयार घी में तैयार घीवर का जो मूल्य है वह 500 रुपया किलो, और यदि इसे फॉर्चून में छाँका जाता है तो वह 300 रुपया किलो। स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर होता है, चीनी के सांद्र घोल से छान कर निकालने के बाद थोड़ा देर तक इसे ट्रे में रखा जाता है, ताकि चीनी की जो अधिक मात्रा है, घोल की जो अधिक मात्रा है, वह घीवर से बाहर आ जाए और तब इसे ग्राहक को सौंपा जाता है तौल करके। काफ़ी देर तक यह कुरकुरा बना रहे, इसके लिए कागज के जिस ठोंगे में इसे डाला जाता है उसका मुंह बंद नहीं किया जाता है। यदि ठोंगे का मुंह बंद कर दिया जाए तो भीतर वेपोराइजेशन की क्रिया के द्वारा जो जलकण जमा होगा उससे घीवर जो है उसका कुरकुरापन समाप्त हो जाएगा, वह मुलायम पड़ जाएगा। अतः दुकानदार तौलते समय ग्राहक को यह सलाह देते हैं कि आप जो घीवर जिस रूप में ले जा रहे हैं, मतलब ठोंगा, कागज का जो ठोंगा हमने दिया है बना करके, उसका मुंह बंद नहीं कीजिएगा। तो खगड़िया के इस दुकान की लोकप्रियता काफ़ी अधिक है, और आप इस दुकान में देख रहे हैं दो दो कारीगर घीवर बनाने की क्रिया में जुटे हुए हैं। एक और शुद्ध घी का घीवर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ फॉर्च्यून का घीवर बनाया जा रहा है, फॉर्च्यून के कड़ा में, और
दोनों का रेट अलग अलग होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और यह बेहद लोकप्रिय मिठाई है, किलो के हिसाब से भी मिलता है और प्रति पीस के भी हिसाब से इसे खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर एक बार कैसे छत्ता आया। देखिए बेलनाकार फर्मा के अंदर दाल के घोल रूपी बेसन को डाला जा रहा है और उसे घेवर के आकार में तब्दील किया जा रहा है। आपके दुकान का क्या नाम हुआ? शिवम स्वीट्स। कहाँ पर यह अवस्थित है उसके बारे में बताइए। स्टेशन रोड खगड़िया। अच्छा, स्टेशन के जस्ट सामने। अच्छा, आपका दुकान जो है बहुत लोकप्रिय है खगड़िया में। हाँ? इसके पीछे क्या कारण है? शुद्धता, क्वालिटी सामान का और 100% गारंटी के साथ, ग्राहक के साथ बिहेव भी जो है बहुत मायने रखता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके में कभी कोई शिकायत नहीं होगा कस्टमर का, खासकर कोई भी प्रॉब्लम में शिकायत नहीं होगी। और आपके दुकान में कितने तरह का मिठाई मिलता है? मतलब एक घी प्रोडक्ट होता है और एक जो है फॉर्चून प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में बताइए। घी प्रोडक्ट शुद्ध घी का होता है, अपना घी निकाला है। फॉर्चून का भी होता है जो नॉर्मल होता है। दोनों तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। कीमत के बारे में क्या कहते हैं? मार्केट के कीमत में और आपके दुकान के मिठाई के कीमत में क्या मतलब समानता असमानता रहती है, ये बताइए। समानता बस मार्केट से कुछ कम रेट रहेगा, क्वालिटी भी शुद्ध रहेगा। क्वालिटी मतलब शुद्धता की गारंटी आप देते हैं। और इसी कारण हमको लगता है आप ग्राहकों का जो है विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। और इस कारण से आपके दुकान में ग्राहकों का झुकाव रहता है प्रायः। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। रवि कुमार,